ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब किसान मजदूरों की कई समस्याओं को लेकर किसान यूनियन के समस्त कार्यकर्ताओं ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह परिहार की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम नागौत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विश्वजीत सिंह परिहार ने मांग करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में निर्वाचित जन प्रतिनिधि पंचों को भी मासिक वेतन के साथ साथ ग्राम पंचायत में अधिकार बढ़ाए जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना की राशि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भी शहरी क्षेत्र के निवासियों के बराबर ही दी जाए। देखिए, हमारे मुद्दे जो क्षेत्रीय समाज को लेकर हैं, तो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे इस तरह के मुद्दे हैं जो हमारे अन्नदाता अत्यधिक परेशान रहते हैं और उनका स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। तो जैसे इन बिंदुओं पर हम लेंगे कि जैसे पीएम आवास योजना का लाभ शहर में जो 2.5 लाख रुपए दिया जाता है, ऐसे गांव पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिया जाना चाहिए। और जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने योजना तो लागू कर दी, कहा कि हम क्षेत्र के किसानों को समर्थन मूल्य जो है, जैसे धान का होगा 3100 रुपए देंगे प्रति क्विंटल और गेहूँ का देंगे, तो वो योजनाएं हमारे किसानों क्यों नहीं मिल पा रही है। तो आज हम यहाँ पर सभी बैठकर और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जागृत करना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को उनका समर्थन मूल्य दिया जाए और जो लघु सीमांत किसान हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान किया जाए। जैसे यहाँ ज्ञापन में आप पढ़ा ही होगा, 14 बिंदु थे, जिसमें एक बिंदु हमारा ये था कि हम लोग मोदी जी के लिए और उनके नाम के लिए वोट मांगे और किसानों से बोले हमारे 3100 रुपये जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है रेट, 3100 रुपये मोदी जी बोले थे देने के लिए कि हम देंगे, वो नहीं दे पाए हैं और 2700 रुपये गेहूँ का जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। अब हम किस सिस्टम से, हम बीजेपी से जाने, हम बीजेपी के हैं कार्यकर्ता, अब किस आधार से उनसे वोट मांगने जाएं। और हम सरपंच भी हैं, गांव की समस्या जो हम लिख के देते हैं कि हमें ये कराना कुछ, एक रोड तक के लिए हम बालू डालने की हमारी औकात नहीं आज ये स्थिति सरपंच में कि हम बोल्डर डाल दें तो कम से कम वहाँ से ट्रैक्टर वहाँ चल जाए।